हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मस्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आपने कई सारी फिल्मों में मुरली शर्मा को देखा होगा। जी हाँ, मुरली शर्मा वही किरदार है जो कभी विलन का किरदार निभाते हैं तो कभी कॉमेडियन का। आज हम आपको उनकी पत्नी और बेटी से भी मिलवाने वाले हैं। उससे पहले मुरली शर्मा के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुरली शर्मा का जन्म 9 अगस्त 1972 को आंध्र प्रदेश में हुआ था और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग मुंबई से अभिनय में डिप्लोमा किया। मुरली शर्मा आधे मराठी और आधे तेलुगु थे क्योंकि उनके पिता मराठी थे और उनकी माता तेलुगु थी। उनके पिता का नाम व्रजभूषण शर्मा है जिनका 2019 में एक लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। उनकी माँ का नाम पद्मश्री है जिनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था और उनके दो भाई हैं। अगर बात करें उनकी पत्नी की तो 2005 में हिंदी फिल्म अपहरण की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात भारतीय अभिनेत्री अश्विनी कालसेकर से हुई जिनका उस समय उनके पहले पति नितेश पांडे से तलाक हो गया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान मुरली और अश्विनी दोस्त बन गए और जल्द ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। इस जोड़े ने 22 मार्च 2009 को शादी कर ली। आपको बता दें कि मुरली ने अपने अभिनय का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कई सारे टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में ऑडिशन देना शुरू किया। 1997 में उन्होंने हिंदी टीवी धारावाहिक घर जमाई में डॉक्टर सलीम की भूमिका निभाई। उसके बाद उन्होंने साया, रिश्ते, लगी तुझसे लगन जैसे कई टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया। 2009 पलटन मेरी शान में भी उन्होंने काम किया। 2002 में उन्होंने हिंदी फिल्म दिल विल प्यार व्यार में अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। हिंदी फिल्म मकबूल से वो सुर्खियों में आए जिसमें उन्होंने देवसारे की भूमिका निभाई थी। लोकप्रिय हिंदी फिल्म मैं हूं नाक में खान की भूमिका उन्होंने अदा की और दर्शकों ने इन्हें काफी पसंद किया। इसके बाद उन्होंने कुछ अन्य हिंदी फिल्में जैसे कि मस्ती, मंगल पांडे, अपहरण, धमाल आदि में अभिनय किया। 2007 में उन्होंने फिल्म अतिथि से तेलुगु में डेब्यू किया जिसमें उन्होंने कैसर उर्फ अजय शास्त्री की भूमिका निभाई। उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कई कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया जिसमें कि गोलमाल रिटर्न भी शामिल है। यही नहीं, इसके अलावा वो मशहूर फिल्म दबंग, सिंघम, बदलापुर और मेजर में भी दिखाई दिए। 2012 में उन्होंने मराठी फिल्मों में अंजिता से अपनी शुरुआत की और उसमें मुख्य भूमिका भी निभाई और उन्होंने अपने करियर में एकमात्र मलयालम फिल्म भी की है। तो दोस्तों, आपको मुरली शर्मा कॉमेडियन अच्छे लगते हैं या फिर विलन के रोल में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस अभिनेता के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।